हेडिंग लिखो वेविकर और इंटरवल मेथड, वेविकर और इसी को बोलते हैं इंटरवल मेथड। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, इस पर डिस्कशन करते हैं। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। If a comma b belongs to real such that a b greater than equal to 0, then what can be said about a and b? A और b के बारे में क्या क्या possibilities हैं, क्या क्या कहा जा सकता है? पहला option है both a and b are of same sign. Yes, so true. है ना, completely true statement आपको बोल रहा है। पहला ठीक है, आर ऑफ सेम साइन है ना, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ठीक है। अच्छा ये बोला जा रहा है इफ ए इक्वल टू जीरो देन बी बिलोंग्स टू, यस सर, और इफ बी इक्वल टू जीरो देन ए बिलोंग्स टू रियल, क्या ये भी स्टेटमेंट ट्रू है? यदि a जीरो हो गया, लेट्स से a जीरो हो गया, तो जीरो इनटू b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू स्टेटमेंट, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या ये ट्रू हो गया? यस सर। अच्छा b भी ट्रू हो गया, ये b डिस्कशन में है। अच्छा c के बारे में, बोथ a एंड b कैन बी जीरो साइमल्टेनियसली, हां सर, both a and b can be zero simultaneously. Yes sir, तो वो zero greater than equal to zero ही हो जाएगा sir. दोनों ही zero हो सकता है ना, तो zero greater than equal to zero ये भी true हो गया। अच्छा next d portion देख लेते हैं, d के बारे में, if cd less than zero c and d are of opposite sign. True, यदि दो नंबर्स हैं सी डी और उनका प्रोडक्ट है लेस देन जीरो, देन सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ट्रू हो जाएगा ना, लेकिन yes, ये जब क्या हो कि सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ओनली देन लेस देन जीरो हो गया, तो क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया? मतलब वो स्पेसिफाई नहीं, हाँ मतलब हाँ सर वो भी सही है। सी एंड डी यदि रियल है और यदि ये दोनों इनका प्रोडक्ट जीरो से कम है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब सी और डी दोनों ही अपोजिट। सर अगर अपोजिट साइन हुआ तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, तो मुझे ये सारे केसेस के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब सिर्फ रियल क्यों, मतलब हाँ मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। डी में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, लेट्स से सी और डी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, समझ रहे हो? जैसे ये आई सी हो गया, आई हो गया और डी हो गया लेट्स से टू आई, तो कितना हो गया, टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो दैट इज माइनस टू एंड दैट इज लेस देन जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो ये बेस्ट कब होगा, जब सी और डी कैसा हो, रियल, सॉरी हाँ रियल, सो इन चारों को ही हम ट्रू बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
डी में मतलब थोड़े हैं अब बात। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। If A greater than 0, then what can we said about A? Positive real number? Yes, sir, true. अच्छा तो greater than हमेशा real number पे ही लगता है। Yes, sir. तो ये तो true है। ये तो true हो गया ना? ये true हो गया। ठीक है। अच्छा B वाला option, A can take any value in the set. 0, infinity. True. ये भी तो सेम ही बात कह रहे हैं ना मतलब। हाँ सर। रियल नंबर का तो A can take any value in the set this, ठीक है? अच्छा। Yes. हो गया। अच्छा ये बताओ A can be A की value क्या क्या हो सकती है? क्या ये हो सकती है? 0.8. हाँ सर। 1.2 हो सकती है क्या? पॉजिटिव है। हाँ सर हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा हाँ सर। ए कैन नॉट बी जीरो। ए बिट नो सर। ए ग्रेटर देन जीरो इक्वालिटी नहीं है सर। हाँ ये चार ही ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी हम ऐसा लिखें क्या लिखें कि जब भी ये लिखा गया है ए ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं मतलब ये चारों ही ऑप्शन एक साथ सोच सकते हो जब भी ऐसा लिखा हो ए ग्रेटर देन जीरो में दिया होता। ठीक है और आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। बताओ कितना होगा ये करेक्ट ऑप्शन करो सोच के बता थोड़ा है ना। हाँ सर। ओ सर ये ऐसा किया था फर्स्ट वाले के लिए वो तभी ट्रू होगा जब दोनों के साइन सेम है। इफ ए ग्रेटर देन बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी होगा वेयर ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ तो सर वो तभी होगा जब दोनों ए और बी का साइन सेम होगा। अच्छा मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं सर। ये फॉल्स हो जाएगा। समझ आया क्या? Yes, sir. सिचुएशन समझी क्या है ना? हाँ सर। इस भी ले सकते हो इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे 3 ग्रेटर देन माइनस 2 है तो 1 अपॉन 3 और नॉट लेस देन माइनस 2 ग्रेटर देन ही मतलब रिवर्स नहीं हुई है इनइक्वालिटी। अच्छा ये किस कर चुके हैं क्या हम लोग पहले कभी? हाँ सर। ओके okay. अब यहाँ पे देखो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा क्या? फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल ए यदि अगर अगर अगेन इफ सी अगर सी पॉजिटिव है तो ही ये ऐसा हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं सर। हाँ तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट देखो ए बी ग्रेटर देन जीरो एंड वन अपॉन ए बी ग्रेटर देन जीरो हैव द सेम सॉल्यूशन मतलब दोनों का मीनिंग सेम है क्या? सर मीनिंग तो सेम ही होगा ना। मतलब अगर आपने ए और बी को ऐसे 3 और 2 लिया। हाँ हाँ तो 3 into 2 मतलब 6 greater than 0। हाँ but
अच्छा 1/6 ग्रेटर देन 0, हाँ, तो वो भी तभी सर जब ए और बी के साइन सेम होंगे। ये बोला जा रहा है क्या कि ए और बी, ए बी ग्रेटर देन 0 है और 1/ a b ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ सर वो सही ए और सर। बी के लिए जो आपके माइंड में सॉल्यूशंस हैं क्या वो सेम होंगे? हाँ सर क्योंकि सेम समझ आए ना, ही होगा। हाँ, सर सेम ही होगा। तो ऐसे ही जब यदि हम कहेंगे कि बताओ सॉल्व करो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और 1/(x-1) ग्रेटर देन 0, इन दोनों का ही सॉल्यूशन सेम होगा। इसका हाँ है x ग्रेटर देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 1 है और यू कैन से दैट x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, और इसका भी सॉल्यूशन सेम ही होगा x-1 देन x x ग्रेटर देन 1 और यू कैन से दैट x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, सेम ही सॉल्यूशन होगा। तो वही चीज यहाँ पे ए बी के टर्म्स में लिखी हुई है, ए बी ग्रेटर देन 0 है और 1/ab ग्रेटर देन 0 है, तो ए बी के टर्म्स में क्या इसके सॉल्यूशन सेम होंगे? तो बिल्कुल सही होगा। क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ सर। सर आपने जो 1/(x-1) ग्रेटर देन 0 की, तो उसमें सिर्फ x ग्रेटर देन 1 कैसे आया ना, x-1 दूसरे साइड पे जाएगा तो वो हाँ, नहीं आएगा। नहीं, इसमें इनइक्वालिटीज में ऐसे नहीं करते हैं, और इवन आप सोच रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, है ना, 1 ग्रेटर देन ये तो 0 हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा फिर, तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं करते हैं। आगे देखेंगे क्या गलतियां हो रही हैं। और इवन देखो यदि मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हाँ ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा। तो फिर कभी भी हम इनइक्वालिटीज में इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ पे देखो, ये देखो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एल, क्या ये ऑप्शन भी ठीक है? हाँ सर ये सही है। ए बड़ा है बी से तो दोनों तरफ यदि कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो डिफरेंस नहीं आएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर हुआ है यस सर। ना? ये हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, कोई और है क्या बेसिक क्वेश्चंस? हाँ, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर बिफोर मूविंग टू वेरी कर्व। यस, मतलब आंसर करो इनको। सर डी। डी ऑप्शन, हाँ सर। ओके चलो इसको देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्या ए ऑप्शन सही है? ए इक्वल टू 0 एंड बी बिलोंग्स टू रियल। हाँ सर हो सकता है, लेकिन इसमें एक और केस आ सकता है कि ए और बी दोनों 0 है, या फिर मतलब वो केस हमने कंसिडर भी नहीं किया इस बार। Either a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। और बोथ ए एंड बी इक्वल टू 0। हाँ, तो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर क्या होगा? डी सबसे ऑप्शन एक्यूरेट सर डी है। हाँ हो जाएगा, है ना। लेकिन एक पार्ट तो ये भी आंसर आएगा ना, a यदि 0 हो गया तो b कुछ भी होता रहे, है हाँ सर वो तो सर सही। तो फिर तीनों है सही, तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब जिसमें डिटेल है कि मतलब तीनों केस जिसमें कंसिडर करें वो तो डी है ना बस। नहीं इसमें जैसे ही तुमने ये बोला ना आइदर ए इक्वल टू 0, आइदर ए इक्वल टू 0, तो ये वाला केस अपने आप इसमें इंक्लूड हो गया, हाँ वही सर, उसमें उसमें वो वाली चीज ऑलरेडी है, है ना। उसमें तीनों तीनों हाँ, मिला के उन्होंने वो बनाया है। कंबाइन कर दिया, तो डी इज दी मोस्ट मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। यस सर।
अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। If a square less than 0, where a belongs to real, then a option is no real value of a, a equal to 0 only. If a square plus b less than equal to 0, then b less than or equal to minus a square imply b belongs to minus infinity to 0. And d option is if a square by b less than equal to 0 imply b less than 0, where a less than or equal to 0. सोच समझ के आंसर देना। सर तो अगर नहीं, लेकिन इसमें हम सर कॉम्प्लेक्स नंबर का किस सिचुएशन कंसीडर नहीं कर सकते ना? कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं नहीं रियल नंबर ही देखना है। ये देखो a बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर ही देखना है। तो सर a स्क्वायर तो फिर लेस देन 0 नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं हो सकता। तो सर a को तो ट्रू होना चाहिए फिर। No real value of a, क्यों a zero नहीं हो सकता क्या? ओ हाँ मतलब सिर्फ zero। हाँ हाँ हाँ। Equal to zero। ये सही है। तो यदि कोई इस तरह से दिखा लिखा हो कि a इसका less than equal to zero, तो इसका क्या मतलब है कि a zero होगा। जैसे a सिर्फ zero ही है। हाँ। जैसे कई बार ऐसा आ गया x minus two का whole square less than or equal to zero। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि x is equal to 2 only। क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो जीरो तो हो सकता है ना, तो इसको जीरो x equal to 2 आ गया। तो क्या b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा सर c के ऊपर बात करते हैं। c को सोचो थोड़ा। सर अगर a स्क्वायर प्लस b लेस देन इक्वल टू 0 है तो b तो ठीक, ये तो सही है कि b लेस देन इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। लेकिन अगर उन्होंने माइनस a स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर तो ऑलरेडी नेगेटिव में है ना सर? a स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा ना। हाँ वही बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, अगर इसमें तो a सिर्फ 0 ही हो सकता है। अच्छा तो b less than equal to 0 सर? सही है सही है सही। ओके ट्रू है ना? हाँ ये हाँ, सर। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं, d के बारे में। इसके बारे में नहीं सर। नहीं, बी को नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है सर। मतलब ए स्क्वायर तो एनीवे जीरो है, लेकिन अगर उसको लेस देन इक्वल टू करना है ए स्क्वायर नेगेटिव ही हो सकता है। ये थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बी वैसे भी जीरो नहीं हो सकता।
हाँ नहीं, इसको ऐसे लिखा जा रहा है कि a स्क्वायर अपॉन b लेस देन टू जीरो है, हाँ सर, इसका मतलब है कि b जो है वो लेस देन जीरो होगा। यदि सिर्फ इतना होता कि इफ दिस स्क्वायर अपॉन b लेस देन और इक्वल टू जीरो है, दिस एम्प्लाय b लेस देन जीरो, a can be equal to zero as well. हाँ तो फिर समझा नहीं समझा? क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी ना? हाँ सर, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब यदि ये पॉजिटिव होगी तो सिर्फ नेगेटिव कौन होगा? b ना, b तो जीरो भी नहीं हो सकता। तो मतलब बी नेगेटिव आएगा और ए कैसा होगा? जीरो, जीरो होगा, मतलब जीरो होगा तो पॉसिबल है। लेकिन यदि जीरो ए ए का स्क्वायर है ना, तो ए बिलोंग्स टू ऑल रियल हो सकता है। यस सर, यहाँ जीरो यदि सिर्फ जीरो लिख दिया तो भी गड़बड़ ही लगेगा, क्योंकि सर ए स्क्वायर तो सिर्फ जीरो के लिए, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो तो सिर्फ जीरो के लिए ही पॉसिबल है। हाँ, मतलब ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ए बिलोंग्स टू तो रियल हो सकता है ना, रियल होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन सर अभी ऊपर आपने बोला कि a इक्वल टू जीरो ओनली, हाँ मतलब ये अभी कंसीडर करना है, तो इसका मतलब a क्या हो जाएगा? जीरो ना। हाँ सर, और यदि a जीरो हो गया तो फिर b कुछ भी होता रहे। हाँ, यदि इस तरह से कहा कि इफ a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि a इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और यदि जीरो हो गया तो जीरो अपॉन बी लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये कह देना कि बी लेस देन जीरो है, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, बी क्या हो जाएगा? जीरो कैन बी ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। समझ आया क्या ये? हाँ मतलब, लेकिन यदि ये ना दिया होता, यदि ये हाँ, तो ना होता तो फिर क्या करते हैं? यदि ये ना दिया होता तो फिर क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, इतना क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, मतलब सिर्फ डी वाला पोर्शन इतना होता है, इफ ए स्क्वायर बी लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसमें क्या करते हैं? दिस इंप्लाय, ये क्या इंप्लाय करता है कि ए को ए जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, और साथ ही साथ क्या बोलोगे कि इसमें बी जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ए जीरो हो सकता, ए जीरो पॉसिबल है, पॉसिबल है, और बी कैसा होगा? नेगेटिव नंबर होगा। लेकिन सर अगर ए को जीरो रख दिया तो पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो वो भी तो ट्रू ही आएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो तो ट्रू ही आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ पे ये ए और बी दो अलग अलग सिचुएशन है, ए और बी दो अलग अलग सिचुएशन। तो यदि ए के बारे में सोचोगे तो ए पूरा होल सेट क्या आ जाएगा? आर, ये तो ऑल रियल आ जाएगा ना। हाँ, ये ऑल रियल आएगा, लेकिन बी के बारे में क्या होगा कि भाई बी नेगेटिव ही होगा। हाँ, अच्छा इसको एक इस तरह से सोचें, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो है। तो सर एक्स माइनस वन हैज टू बी लेस देन जीरो क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव। हाँ मतलब एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा? लेस देन नेगेटिव जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी से वन ना।
वन तक। हाँ लेकिन अब चूंकि एक्स इसी से कनेक्टेड है, ये वाला एक्स इसी से कनेक्टेड है, तो वेरिएबल दोनों के सेम हो गए। तो अब यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स ऑल रियल होगा, क्योंकि ऑल रियल होगा तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, फिर हाँ सर। -1। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई एक्स -1 नेगेटिव होगा, मतलब एक्स बिलोंग करेगा -∞ से 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में ये 0 तो हो ही सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यदि इसका सॉल्यूशन देखें, फुल सॉल्यूशन, तो ये आएगा एक्स बिलोंग करेगा -∞ से 1 और यूनियन 0। अब 0 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो अलग से यूनियन लेने का जरूरत है क्या? नहीं। नहीं सर। तो फिर यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और कुछ है क्या इसमें? अच्छा ये हो चुका है, सिक्स नहीं हुआ, चलो इसको भी कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। सोचो, सॉल्व करो इसको। यस समझा क्या? ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, ये तो सही है सर। ये सही है पक्का? सिलेक्ट द करेक्ट फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू हियर, इफ ए स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 देन बी बिलोंग्स टू रियल। सर। If a square b greater than equal to 0, then a equal to 0, यदि ये तो बिल्कुल सही, ऐसा डिस्कशन हो चुका है ना, a हाँ यदि सर। हो गया तो b कुछ भी होता रहे ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, a by greater than 0 है, हाँ सर। तो इसका क्या मतलब है, a और b का साइन कैसा होगा? सेम। हाँ सर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ सर, ये वाला तो सही है, हाँ लेकिन अगर उन्होंने बोला कि अगर इक्वालिटी आ गई हाँ तो अगर नेगेटिव हो गया सर तो वो गलत हो जाए। नहीं, ये इसको सोचो, जैसे ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ तो क्या इसको ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? कहाँ प्रॉब्लम है बताओ? वहां प्रॉब्लम आएगी जहां बी 0 हो जाएगा, हाँ समझा? या जहां बी हाँ 0 हो जाएगा वो वहां प्रॉब्लम आएगी, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाएंगे,
जो इसके सॉल्यूशन है वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लेकिन सर इसके केस में हम लोग बी को जीरो ले भी नहीं, सर इसमें तो दिया हुआ है ना कि ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हुआ तो वो तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा ना, वो तो उसके सेट में ही नहीं आएगा फिर। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हाँ ए और बी की पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो ए और बी की पॉसिबिलिटी, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। जैसे यदि ए जीरो हो गया तो बी ऑल रियल आ जाएगा ना, हाँ बी ऑल रियल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी जीरो हो नहीं सकता, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। हाँ सो लेकिन यदि इसकी बात करें, ये पहला वाला, ये कौन सा है, ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यदि हम कहें कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए बी में ये तो आ ही रहा है ना, ए जीरो बी रियल, दोनों ही पॉजिटिव आ जाएं, दोनों ही नेगेटिव आ जाएं, ये तो इतना आ ही रहा है, लेकिन प्लस एक्स्ट्रा हाँ और सॉल्यूशन आ रहा है कि बी जीरो आ जाए और ए रियल हो जाए। सर, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तब तो आ सकता है, बट मतलब इसमें तो पहले डिवीजन की बात हो रही है, उसके बाद इम्प्लीकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना। तो हाँ अगर अगर से बी जीरो हो गया इक्वालिटी वाले केस में, तो सर ए बाई बी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात ही नहीं रहेगी फिर, तो वो ट्रू ही नहीं हुआ ना। नहीं, मैं मेरी बात नहीं समझे, आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये एक स्टेटमेंट है और हाँ ये सर, दूसरा स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं क्या? नहीं ना सर, नहीं ना, क्यों नहीं है? नहीं। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में ये केस एक्स्ट्रा हो रहा है जो इसमें नहीं है, हाँ नहीं है ना, तो फिर नहीं क्या ये और ये दो, ये इम्प्लाई करेगा क्या ये इसको? नहीं करेगा ना, नहीं नहीं करेगा, तो वही तो कह रहा है कि ये नॉट इम्प्लाइंग है, अच्छा ठीक है सर। मतलब लेकिन ए बाई बी ग्रेटर देन जीरो है तो ये एम्प्लाई करेगा ए बी भी ग्रेटर देन जीरो है, हाँ सर, ओके ये कैसा स्टेटमेंट हो गया फिर? सही है, नहीं सही है, सही है। सही हो गया ना स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड सर, हाँ ट्रू एसोसिएट। ये ट्रू है ना, हाँ सर, ए जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, जीरो फिर पूरा ग्रेटर, प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं है सर। समझ आया ना? तो हाँ मतलब सर, पॉजिटिव नंबर है, जैसे कोई किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उसको हटा के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बी बाई सी ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ इतना, हाँ, लिख सकते हैं सर। लेकिन इसमें कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो होगा, तो ये भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू, अच्छा ये बताओ डी के बारे में, ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी बाई डी, इसका मतलब ये है कि ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी है क्या? एक सेकंड हाँ ये थोड़ा सोचो, समझा नहीं समझा? सर अगर यस अब एक सेकेंड, सर
गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ सर गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ मतलब अगर सर नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ? नहीं मतलब मतलब गलत तो हाँ सर है ठीक है, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ। देखो ये देखो, जैसे 5/3 ग्रेटर देन 2/5 सही है, ग्रेटर देन हाँ सर सही है। इसका मतलब है क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 5/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये तो ट्रू है, ट्रू है कि नहीं? यस सर। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मैं कहूँ 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/-5 चलेगा, हाँ मैं यही सोच रही हूँ। अब ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो 5/-5 ग्रेटर देन 3/2 होगा क्या? नहीं सर। ये फॉल्स हो जाएगा, समझे? तो ये यदि इस तरह से आपने लगा दिया, ये वाली सिचुएशन अप्लाई कर दी, ये वाली सिचुएशन अप्लाई कर दी, तो फिर गलत हो यस जाएगा। सर। तो इसीलिए हाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी के केस में, है ना? समटाइम्स कर सकते हैं, तो वो समटाइम्स क्या होगा वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा, समझ आया क्या? ये यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। इसको स्टॉप कर देते हैं।